हम आज की बहस शुरू करें उससे पहले आपको सीतापुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वो पीएसी के गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे उस वक्त, और भारी मजमा उस वक्त लगा हुआ था। कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर मौजूद थे, और आप देखेंगे इन तस्वीरों में तो आपको राहुल प्रियंका नजर आएंगे। ये देखिए प्रियंका वाड्रा की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, 3 तारीख रात से ये यहीं पर हैं, इसी गेस्ट हाउस में उनको हिरासत में लेकर रखा गया था। अब यहाँ से वो निकल रही हैं बाहर, राहुल गांधी उनके साथ हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, और बाहर जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनकी तरफ वेव कर रही हैं प्रियंका। 3 दिन के बाद इनकी तस्वीर दिखाई दी है। इस बीच फ़ोन पर ये ज़रूर बात करती रही, इंडिया टीवी से भी इन्होंने फ़ोन पर बात की थी जब ये हिरासत में थी। उसके बाद इनके पार्टी की तरफ से और इनके पति रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया, इनसे बात नहीं करने दी जा रही थी, ये भी साफ नहीं किया प्रशासन ने कि ये गिरफ्तार हैं या हिरासत में हैं। तो ये तमाम बातें रहीं। बहरहाल अब देखना है कि यहाँ से जब राहुल गांधी और प्रियंका और बाकी नेता जब ये लखीमपुर पहुँचेंगे तब वहाँ पर क्या तस्वीर देखने को मिलती है। आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी स्वागत है। गौरव वल्लभ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गौरव वल्लभ जी आपका स्वागत है। आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता, आशुतोष जी स्वागत, और भानु प्रताप सिंह जी किसान नेता हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। गौरव भाटिया जी ये सवाल किया जा रहा है आपसे कि राजनीति कौन कर रहा है, 3 दिन तक किसी विपक्षी नेता को पीड़ित परिवारों से मिलने न जाने देना, ये राजनीति थी या आज राहुल गांधी जाना चाहते हैं, प्रियंका वाड्रा जाना चाहती हैं, अखिलेश जाना चाहते हैं, वो राजनीति है? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं उन परिवारों को जिन्होंने अपना परिजन खोया है, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये वो सरकार है जो कानून का राज स्थापित करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी भी अभी वक्तव्य दे रहे थे एक और चैनल पे, और उन्होंने स्पष्ट कहा हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। पहली बात, सभी परिवारों को इंसाफ मिले, जो और पीड़ित है घायल हुए हैं उनको इंसाफ मिले। और ये कब सुनिश्चित हो सकता है? ये तब सुनिश्चित हो सकता है सबसे पहले एफआईआर हो। एफआईआर समय पे हुई, इससे कोई जो है नकार नहीं सकता इस बात को। दूसरी बात, विवेचना हो, और तमाम वीडियो आप भी देखेंगे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, और ये भी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है कि सभी वीडियोस को देख के सभी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करें। तीसरी बात, आज राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया, आप बताइए किस तरह का वक्तव्य है, क्या ये जिम्मेदार व्यक्ति का वक्तव्य हो सकता है? उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो गड़बड़ है, खराब है। मैं पूछता हूं क्या ये डॉक्टर जो विशेषज्ञ है वो तय करेंगे कि पोस्टमार्टम कैसे होना है, क्या होना है, क्या रिपोर्ट, या राहुल गांधी सबसे बड़े डॉक्टर बन गए हैं किसान बनने के बाद कि वो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम ठीक नहीं। दूसरी बात, आप बताइए, आपने कहा 3 दिन तक रखा, मैं कहता हूं विवेचना के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 दिन रखना पड़े, 30 दिन रखना पड़े तो भी गलत नहीं है, कानून इसकी इजाजत देता है। नहीं तो फिर ये गौरव जी आप वकील हैं, आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुझे बताइए प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में रखा गया था या गिरफ्तार करके रखा गया था, यही आज तक साफ नहीं हुआ है, किस कानून के तहत इनको 3 दिन तक वहां हिरासत में रखा, ये बताइए। मैं बता देता हूं सौरभ जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाएगा तो उसके बाद उसकी पेशी मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में होगी। हिरासत का एक समय होता है, वो जनरल डायरी जो रखी जाती है उसमें दर्ज होता है। 144 धारा जब लगी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये किसी भी राजनेता का और खासकर वो राजनीतिक गिद्ध जो लाशों पे राजनीति करते हैं उनका हक नहीं है कि वो व्यवस्था को बिगाड़े। ठीक है, उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई गई, और मान लीजिए किसी को कोई परेशानी है, लगता है कि कानून का पालन नहीं हुआ, इस देश में तो न्यायालय है ना, लेकिन राहुल गांधी ने तो आज कह दिया कि यहां पे लोकतंत्र है ही नहीं, न्यायालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं। अब इस तरह के वक्तव्य देने से आपको लगता है कि आप लोकतंत्र? चलिए अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब गौरव वल्लभ जी से लेना चाहता हूं। आपने एक और जुमला कह दिया इनके लिए, राजनीतिक गिद्ध, बोलिए गौरव वल्लभ। देखिए मैं भाषा की मर्यादा को हमेशा रखूंगा, मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता अपशब्दों में। मैं बहुत एक बेसिक फंडामेंटल सवाल से अपनी बात चालू करूंगा। ये जो हत्या हुई है इसकी प्लानिंग, ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है सौरभ जी, इसकी प्लानिंग हुई है बाकायदा, और इसकी प्लानिंग हुई है 3 महीने पहले।
जब बीजेपी यूपी के हैंडल से ये लिखा जाता है राकेश टिकैत की फोटो डाल के कि सुन लखनऊ जा रहा तू कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे, ये यूपी बीजेपी हैंडल पे राकेश टिकैत की बाल से योगी जी फोटो खींच रहे हैं, फोटो में है और वो कार्टून अभी भी मौजूद है सौरभ जी। फिर उसके बाद देश के गृह मंत्री बोलते हैं सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा दो मिनट में, तुम मेरा पुराना इतिहास नहीं जानते। गौरव भाटिया जी क्या है उनका पुराना इतिहास, क्या उनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है क्या पहले, बताइएगा जरूर कि उनका पुराना इतिहास क्या है। फिर हरियाणा के जो चुने हुए संविधान की शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं एक लीडरशिप डेवलपमेंट एकेडमी चला रहे हैं खट्टर साहब, और उसमें कहते हैं किसानों का सर फोड़ो लाठी से, जेल जाओ और लीडर बनो। ये खट्टर जी का लीडरशिप डेवलपमेंट एकेडमी है। और उसके बाद ये हादसा होता है, भाटिया जी ने मेरे से कई सवाल पूछे, पर ये बताओ वो गृह मंत्री का क्या है पुराना इतिहास जिसकी वो धमकी दे रहा है लोगों को खुलेआम। फिर आपने लॉ की बात करी, भाटिया जी 144 जब लगा हुआ था तो प्रियंका जी के साथ तो दो जने ही थे, आप दो जनों में भी 144, आप लीगल वकील होके ऐसे बेतुकी बात करते हो। 151 में प्लीज 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 रुकिए, पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनूंगा मैं आपकी, बदतमीजी नहीं करूंगा आपकी तरह। अच्छा बोलिए बल्लभ जी। फिर आपने कहा 144 में प्रियंका जी को क्यों आपने हिरासत में लिया, क्यों गिरफ्तार किया, ये डर रहे थे कि प्रियंका जी जाएगी तो आपकी पोल खुल जाएगी, आज भी खुलेगी क्योंकि ये हत्या की है आपने, ठीक है, चार किसानों की हत्या की है। आपके हाथ हत्या से रंगे हुए हैं, ठीक है, और आप गिद्ध और गधे और ये सब मैं अभी बोलूंगा। अच्छा चलिए ठीक है बल्लभ साहब। अच्छा अब चूंकि दो लोग हैं, आप और आशुतोष जी हैं सवाल पूछने वाले, तो मैं आशुतोष जी, आप भी गौरव आशुतोष जी की बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा, दोनों का समय मैं आपको दूंगा पूरा। आशुतोष जी सवाल केवल राहुल गांधी या प्रियंका जी का नहीं है, पूरे विपक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। एक हादसा हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, अब उसके पीछे कैसे क्या वजह थी, कौन दोषी था या एक्सीडेंट था, ये सब जांच पे सामने आएगा, लेकिन सरकार कह रही है कुछ तो इंतजार कीजिए, इतना संवेदनशील मामला है वहां पर आग भड़क सकती है। नहीं सौरभ जी बिल्कुल, और इंतजार करते करते उन्नाव की रेप पीड़िता को जो है आज तक जो है उसका न्याय नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ में ही एप्पल कर्मी विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई, आज भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अभी 4 दिन पहले गोरखपुर में हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पुलिस ने मार मार के एक व्यापारी की हत्या कर दी, इंतजार ही तो कर रहे हैं। और महंत नयनगिरी की जो है संदिग्ध हालत में हत्या हो जाती है, हम इंतजार कर रहे हैं पिछले 4.5 साल से। सरोज जी एक बात ये बताइए, क्या आपको ये नहीं लगता है कि 4 दिन हो गए इतनी बड़ी घटना घटने को, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाते जो मेन अभियुक्त है उसके पिता अगर इस देश के गृह राज्य मंत्री बनते हैं तो क्या ये जांच संभव हो सकती है? आज तक पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुद अपने पुराने आईपीएसओ को घर से उठा लिया सिर्फ इसलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ फेसबुक या सोशल मीडिया पर लिख लिया। जो सरकार इतनी त्वरित कराई विपक्ष के लिए करती है, सैकड़ों और हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी जो इस समय बिना किसी चार्ज के अंदर हैं, और लखीमपुर और सीतापुर के कई समाजवादी पार्टी के नेता नजरबंद कर दिए गए हैं जी, ठीक। इस वजह से क्या एक अभियुक्त का रसूखदार लड़के की इतनी हैसियत हो गई है कि वो खुलेआम इस पिस्तौल का रिवॉल्वर तानेगा, लोड करेगा, जिसका वीडियो भी है और उसके ऊपर FIR है, आप पूछेंगे तक नहीं आप कौन है, आप हिरासत में भी नहीं लोगे, आपकी हिम्मत नहीं है? आशुतोष जी मौके पर जो जहां पर ये वाकया हुआ वहां पर तो ऐसा कोई वीडियो मैंने तो नहीं देखा। आशीष मिश्रा की बात कर रहे हैं कि वहां पिस्तौल लहराते हो कहीं, आप वहां नहीं पिस्तौल, वो पिस्तौल लहराते हुए लोड करके हुए गए हैं, ये वीडियो है पब्लिक डोमेन में है, और जिसका पिता ने बोला कि जो गृह राज्य मंत्री है कि 2 मिनट में सब कुछ सही कर दूंगा, ठीक है 2 मिनट में सही कर दूंगा, आप उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब आपकी पुलिस, आपकी सरकार एक व्यक्ति के रसूख के अंदर घुटने तेज। चलिए अच्छा ठीक, 4 किसान मर जाए या 14 मर जाए, मैं जरा जवाब ले लूं आपकी और गौरव बल्लभ जी की बात का। गौरव भाटिया जी से, गौरव बल्लभ जी के सवाल आपने सुने होंगे, और वो उन्होंने पूछा मंत्री जी का इतिहास क्या है बताइए, वो जो वो जिसका जिसकी वो हेंकड़ी दिखा रहे थे कि मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि कितना इंतजार करें और कितने मामलों में करें। ठीक सौरभ जी, देखिए
मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा सा ज्ञान कम है विधिक, और इसके लिए मैं उनसे नाराज नहीं हूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या बात बोल दी आपने देखा, उन्होंने कहा 5 से कम लोग थे तो फिर प्रियंका वाड्रा गांधी को हिरासत में क्यों लिया गया। एक लाइन पढ़ता हूं और मैं आपको मुफ्त में विधिक राय भी देता हूं, जब घर जाएंगे ना तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़िएगा, इंडियन पीनल कोड नहीं। और न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रिहेंडेड डेंजर, तो ये जो मजिस्ट्रेट होता है डीएम होता है ये आदेश इसमें पारित कर सकता है, और 5 व्यक्ति या 4 और 3 इसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो पहली बात, मतलब प्रियंका, मतलब उत्तर प्रदेश शासन ने प्रियंका गांधी वाड्रा को न्यूसेंस समझा इस मामले में। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं क्यों सौरभ जी। जिस तरह से वर्दी के साथ धक्का मुक्की हुई, आपने प्रियंका वाड्रा गांधी का वो वाला वीडियो देखा था जिसमें वो कह रही थी अटेम्प्ट टू हार्म, पता नहीं इटली का कानून चलता है क्या, अटेम्प्ट टू हार्म तो कोई धारा है नहीं ना कोई अपराध है, लेकिन वो धमकाती दिखी वर्दी को, कह रही थी तुम्हें ठीक कर दूंगी मैं। मैं पूछता हूं क्या प्रियंका वाड्रा गांधी भारत के कानून से ऊपर है? और इसीलिए जब आपको कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती है तो ये आदेश पारित हो सकता है। और दूसरी बात मैं आज जो कहना चाहता हूं, इन्होंने बार बार आरोप लगाया इन लोगों को तो कोई चिंता है नहीं, अरे ये तो किसानों का जो है सम्मान नहीं करते। किसानों का सबसे ज्यादा सम्मान कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान करे और कांग्रेस का यूथ विंग कहे कि भाई वाह वाह ये आजादी है, तो क्या ये उचित है? दूसरा, महिला दुराचार की आप बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए किसानों का आंदोलन कैसे हो सकता है जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार हो जाए और इसके बाद ये लोग इनको किसान बुला देते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जब आप खुद से विवेचना करके यही आदेश दे देते हैं टीवी चैनल पे, ये उचित नहीं है। कानून अपना काम करेगा। अच्छा गौरव जी, दोषी है वो गिरफ्तार। गौरव जी, दो तीन छोटे छोटे सवाल, आप उनका उत्तर जानते हैं क्योंकि आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, इसीलिए मुझे बताइए, सब ये कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे पे 302 का मुकदमा हो गया, FIR हो गई, तो क्या ऐसे में उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? किसी आम आदमी पे 302 का मुकदमा लिखा गया होता तो पुलिस जाकर उससे पूछती नहीं या पकड़ती नहीं? सौरभ जी देखिए, पहली लाइन आपकी ही बोलूंगा कितनी महत्वपूर्ण है, कोई मंत्री हो या आम आदमी हो, अगर अपराध के शक के घेरे में आएगा तो उसके खिलाफ FIR करना ही पहला हमारा कर्तव्य है, वो हुआ, आपने खुद माना। अब कानूनन कौन गिरफ्तार करता है? भारत का कानून और सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है सौरभ जी कि जो विवेचना करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो साक्ष्य के आधार पर तय करता है किसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं। अगर सरकार भी उसको कहे कि तुम इसको गिरफ्तार करो इसको नहीं, तो ये भी हस्तक्षेप होगा। ये तो आप गौरव जी, ये तो आप बात बता रहे हैं जो कानून की किताब कहती है, असलियत में क्या होता है वो बताइए। क्या आशीष मिश्रा से अब तक पूछताछ भी की जाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए पुलिस को? मैं आपको बताता हूं, ADG लॉ एंड ऑर्डर का वक्तव्य सुन रहा था अभी 15 मिनट पहले की बात बता रहा हूं आपके चैनल पे आने, उन्होंने कहा विवेचना बहुत तेजी से हो रही है, और मैं आपके चैनल पे ये तो नहीं कह सकता हूं कि किसके साथ पूछताछ हो किसके साथ नहीं या किसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है, आप बताइए अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जेल गए कि नहीं? अच्छा ठीक है गौरव भाटिया जी, गौरव वल्लभ आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। गौरव वल्लभ, सौरभ जी आपने इनसे सवाल पूछा कि यह गृह मंत्री का इतिहास क्या है, इनको नहीं पता, मैं बता देता हूं। आपने सुना नहीं भाटिया जी, उनका इतिहास है कि वो हिस्ट्री सीटर रहे हुए हैं, उनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, उनका इतिहास ये है कि वो हिस्ट्री सीटर, वो गुंडे रहे हुए हैं वहां के। फिर आपने कहा कि हम तो किसानों का सम्मान करते हैं। गौरव जी, अगर मैं भाटिया जी, मैं आपका अगर सम्मान करूंगा तो आपको कहूंगा कि तुम मवाली हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो। अगर मैं आपका सम्मान करूं तो ये शब्द बोल, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, भाटिया जी बीच में नहीं, मैं नहीं बोल रहा, बीच में आप बात पूरी करो, भाई हो मेरे, बीच में आप बात पूरी करो, लेकिन मैंने भी सवाल पूछा, बीच में नहीं, गोल मत करो प्लीज, थोड़ी मर्यादा रखें। हाँ।
तो आपके आप मेरे घर पे आए भाटिया जी और मैं कहूं कि भाटिया जी का सम्मान करूं और कहूं मिस्टर भाटिया मवाली आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको कहूं मिस्टर भाटिया पाकिस्तानी आपको अच्छा लगेगा, मिस्टर भाटिया खालिस्तानी, मिस्टर भाटिया ठलुए, मिस्टर भाटिया कैनेडियन एजेंट आपको अच्छा लगेगा, मुझे लगता आपको अच्छा नहीं लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए भाटिया जी। पर आपने या प्रधानमंत्री जी ने या कृषि मंत्री जी ने किसी ने भी उन शब्दों को वापस लेने के लिए अन्नदाताओं से माफी मांगी? क्या ये सम्मान है? फिर आपने मुझे विधि का ज्ञान पढ़ाया, भाटिया जी आपको पता नहीं है मेरे भी विधि पड़ी हुई है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं पर मेरे को ज्ञान है। मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहता हूं, आपने मेरे को कहा 144, भाटिया जी आपने कहा न्यूसेंस, किसानों से मिलना न्यूसेंस, हाथरस में किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाए उसके घर जाना न्यूसेंस, सोनभद्र में हादसा हो जाए वहां जाना न्यूसेंस। अगर ये न्यूसेंस है ना भाटिया जी, तो इस प्रजातांत्रिक देश में हर व्यक्ति को न्यूसेंस करना चाहिए, आपकी तरह घर नहीं बैठना चाहिए। मेरे को जरूर ये बता के जाइएगा कि क्या एक व्यक्ति, एक गृह मंत्री, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक व्यक्ति जो गृह मंत्री है उसके पुत्र के खिलाफ 302 का FIR दर्ज है, क्या उसके पुत्र को अभी तक गिरफ्तार नहीं करना? उसका जवाब जो इन्होंने दिया उससे आप संतुष्ट हैं? उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे? ये कह रहे हैं कि वो तो जांच अधिकारी तय करेगा। गौरव जी इन्होंने जो जवाब दिया उस पर बोलिए। दस सेकेंड आप ये बताइए सौरभ जी, किसी व्यक्ति, किसी का पुत्र अगर हत्या का आरोपी हो और बाप गृह मंत्री हो तो क्या क्या जांच हो सकती है? आप इतना कॉमन सेंस तो लगाइए, आप विधि की बात करते हैं, आप कॉमन सेंस भी नहीं लगाते, विधि तो बहुत बड़ी बात है। क्या गृह मंत्री जिसका पुत्र हत्या का आरोपी है वो गृह मंत्री आज सीनियर गृह मंत्री से मिल रहा है, क्या पूछ रहा है उनसे, क्या समझ रहा है उनसे? सीनियर गृह मंत्री उसको क्या गुट्टी पिला रहे हैं, क्या बता रहे हैं उसको? आप में नैतिक आधार? अच्छा एक सेकंड आशुतोष जी, मुझे जरा 30-40 सेकंड दीजिए, इसका जवाब गौरव भाटिया दे दें, उसके बाद में आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, सौरभ जी थोड़ा समय दीजिएगा, सपा प्रवक्ता का जवाब नहीं दे पाया था तो पहले सपा प्रवक्ता का जवाब दे देता हूं और गौरव वल्लभ की फिर बात कर लेंगे। सपा प्रवक्ता बलात्कार की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं कम से कम आप अगर बलात्कार पे बोलते हैं तो हंसी आती है। आपकी सरकार जब थी ना तो कहा जाता था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और बलात्कार की एक वारदात हुई तो महिला पत्रकार ने पूछ लिया अखिलेश यादव से कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने महिला पत्रकार से कहा तुम तो ठीक हो कि नहीं हो। और गायत्री प्रजापति जिसपे बलात्कार के आरोप लगे थे, FIR नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। अब मैं आपको समझाता हूं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है ये केंद्र सरकार में है, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर और जो जांच होती है विवेचना होती है ये प्रदेश की पुलिस करती है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गौरव जी ये तो कोई भी समझ सकता है, वहां भी आपकी सरकार, यूपी में भी आपकी सरकार है, कोई बात नहीं, मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। आरोप तो देखिए, इसके बाद ऐसा है गौरव बल्लभ जी अगर कभी घर आएंगे तो मैं इनको बहुत इज्जत दूंगा। गौरव बल्लभ जी मैं भी नहीं कहूंगा कि आप एक चोर के प्रवक्ता हैं, भ्रष्टाचारी के प्रवक्ता हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा एक गद्दार के प्रवक्ता हैं जो सरेंडर मोदी कह देता है, मैं बदतमीज प्रवक्ता भी आपको नहीं कहूंगा और मैं छिछोरा प्रवक्ता भी नहीं कहूंगा, ये वादा करता हूं। लेकिन ये बताइए ये कैसी संवेदना है कि जब हाथरस की आपने बात करी तो फेसबुक लाइव कर रहे थे, एक हमारी बहन जो है वो दुनिया में नहीं है, नाबालिग थी, उसके साथ दुराचार होता है, उसके माता पिता के साथ तस्वीर डाल देते हैं जो अपराध है, और तीसरा ठाके मार के जब प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे उस परिवार से पूछिएगा कि उसको कैसा लगा। अच्छा, मैं केवल एक बात कहूंगा, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो खुद कहती है कि न्यायपालिका में इसकी आस्था नहीं है। सौरभ जी सपा कहती है पुलिस में इनकी आस्था नहीं है, अगर मीडिया में आस्था नहीं, पुलिस में आस्था नहीं, न्यायपालिका में आस्था नहीं, प्रधानमंत्री में आस्था नहीं, तो आस्था है किस में? अच्छा चलिए गौरव भाटिया जी ठीक है, मैं आशुतोष जी के पास जा रहा हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं तीनों मेहमानों से कि चूंकि हम इतनी संवेदनशील वारदात के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी पर रहे, आप लोग पीछे एक दूसरे पर पॉलिटिकल इल्जाम लगाते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां उजागर करते रहते हैं, मेरे ख्याल से आज हम केवल इसी पर रहे। आशुतोष जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है अपने तिरंगे की बड़े वो बात कर रहे थे, तो मुझे याद आता है कि वो
बाबा मेड़े रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी का नाम याद है गौरव जी, जिसपे आरएसएस ने एक बार केस कर दिया था। से गलती हो जाती है क्योंकि आपने पूछा 26 जनवरी। आशुतोष जी मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, बाकी मेहमानों को भी एक मिनट के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत कुमार जी सर आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। सब लोग यही जानना चाहते होंगे आपसे कि क्या पाया है पुलिस ने अभी तक, 3 दिन हो रहे, इतनी बड़ी दुर्घटना जो हुई है लखीमपुर खेरी में, अगर आप कुछ डिटेल्स शेयर कर सकें। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जब 3 तारीख के अपराहन 3 बजे के करीब घटी तो तत्काल सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को बनाए रखने की थी और हम लोगों ने कानून व्यवस्था अभी तक पूरी तरीके से बनाए रखा तथा जो लोगों की मृत्यु इस दुखद घटना में हुई थी उनके परिवारिक जन को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनको उनके साथ बैठ के उनको जो भी आर्थिक सहायता जो उनकी डिमांड थी उसके हिसाब से उनको दी गई तथा उनके संतुष्टि के हिसाब से ही एक न्यायिक आयोग के गठन की भी घोषणा की गई और उसके बाद से शव का जो है पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के बाद से कल 3 शवों का की अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से हुआ और एक परिवार को जो पोस्टमार्टम हुआ था उससे संतुष्टि नहीं थी तो चूंकि शुरू से ही शासन और का यह निर्देश था कि परिवारी जन को कॉन्फिडेंस में लेना है तो एक विशेषज्ञ 4 डॉक्टरों की टीम लखनऊ से एक विशेष हेलीकॉप्टर से बहराइच भेजा गया जिन्होंने वहां शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया और जब परिवारिक जन संतुष्ट हो गए तो उसमें आज सुबह अंत्येष्टि की गई धार्मिक रीति रिवाज से। क्योंकि अब कानून व्यवस्था में संबंधी तात्कालिक कोई बात नहीं है तो कल ही हम लोगों ने एक विशेष सुपरवाइजरी लेवल की टीम गठित कर दी है जिसमें 7 लोग हैं, उसमें कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि सभी जो तरह तरह की यहाँ पर जो वीडियोज आ रहे हैं ऑडियोज आ रहे हैं उनका परीक्षण करेंगे और एक हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, एक ईमेल आईडी भी शेयर की है जिसपे कि कोई भी व्यक्ति यह सूचना साझा कर सकता है और उसका नाम हम लोग पूर्णतः गोपनीय रखेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग कहीं दूसरे जगह का वीडियो किसी दूसरे चीज की वीडियो को भी इस घटना से जोड़ के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी सचेत किया गया है कि अगर आप लोग जानबूझ के कोई व्यक्ति इस तरह की वीडियो अपलोड करके सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहता है जी तो हम लोग पे भी बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और अब हम लोग कानून व्यवस्था बनाने में सफल रहे हैं तो आगे की विवेचना हम बहुत त्वरित गति से करते हुए सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए इस केस का पूरी तरीके से पर्दाफाश करेंगे। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि यह प्रदेश के शीर्षस्थ स्तर से ये ट्वीट करके घटना के दिन ही बता दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी प्रशांत कुमार जी देखिए सब लोग तो सवाल सबके मन में एक ही है कि क्या किसानों के ऊपर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई, उस वक्त क्या हुआ था और जो मंत्री के बेटे हैं जिनके ऊपर एफआईआर की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके ऊपर 302 की धारा तक लगाई गई है तो उनसे क्यों पूछताछ नहीं हुई और क्या अगर हुई है तो आप बता दें और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। देखिए जो साक्ष्य संकलन का कार्य है और जो गिरफ्तारी की बात है वो जो विवेचक होता है वो अपने हिसाब से और जब क्योंकि कल को जो भी आदमी ये सब बातें कह रहा है उसको कोर्ट में जाके एविडेंस तो देना नहीं है, कुछ भी आप बोलते रहिए पब्लिक डोमेन में कहीं कुछ भी कहें लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से साक्ष्य संकलन के बाद ही अग्रिम कार्रवाई करता है। ये बात मुख्यालय स्तर से बता दी गई है और शासन स्तर से स्पष्ट किया जा चुका है कि इस केस में कोई भी ढिलाई लापरवाही नहीं चलेगी और कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। इसी दायरे में विवेचना चल रही है और बहुत जल्द ही इसमें हम
इस केस का पर्दाफाश करेंगे और सही दोषी कर्मियों को, दोषी अभियुक्तों को हम सजा पर एक कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, फिर आगे उसके सजा दिलाने की पूरी कार्रवाई करेंगे। प्रशांत जी देखिए, आप तो कानून के सेवक हैं, आप कानून की बात ही हमको बताएंगे। तो लोग ये कह रहे हैं, खास करके जो राजनीतिक लोग हैं उनका कहना ये है कि चूंकि मंत्री जी के बेटे की बात है इसीलिए पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है, इसीलिए FIR तो दबाव में कर ली लेकिन गिरफ्तार नहीं कर रही। नहीं, पहले दिन तो ये बात भी उठ रही थी कि FIR ही नहीं हो रही है, FIR क्यों नहीं हो रही है, और वहां चूंकि इंटरनेट बंद था तो FIR दर्ज, जो पीड़ित पक्ष ने जो भी लिख के दिया उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज पुलिस ने नहीं किया है, जैसी चीजें प्राप्त हुई थी वैसे ही लिखी गई है और उन्हीं धाराओं में लिखी गई है, इसलिए आपने नहीं देखा होगा कि किसी तरह का कोई असंतोष इस बात पे है कि हमारी हमारा जो अपराध है वो सही धाराओं में दर्ज नहीं हुआ। तो विश्वास तो आपको किसी भी सभी संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उस पर विश्वास करना होगा, और विवेचना इत्यादि एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा और इस तरह से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं ताकि विभाग को किसी असहज स्थिति में ना होना पड़े और हम ऐसे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करें जिससे कि कोर्ट में हम अपने स्टैंड पे कायम रखें और जिससे कि हम कन्विक्शन सिक्योर कर पाए। जी एक चीज प्रशांत जी, और क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और लोगों के अंदर भ्रम है कि क्या वहां गोली भी चली थी, ये कहने कि वहां जो कुछ लोग थे जो पार्टी कार्यकर्ता थे उनके पास असलाह भी था और गोली भी मारी गई है जिन लोगों की मृत्यु हुई। इस संबंध में पोस्टमार्टम काफी डिटेल में हुआ है और एक व्यक्ति का जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनका पोस्टमार्टम दो बार हुआ है, विशेषज्ञों के द्वारा किया गया है, वो चीजें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो रिकॉर्ड हमारे विवेचक के पास है, IO के पास है, तो मैं ऑफ हैंड कुछ इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी चीजें होंगी वो चूंकि डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है और उनकी वीडियोग्राफी भी कराई गई तो इसलिए वो चीजें अगर इस तक जो आप बात बता रहे हैं अगर हुई होगी तो ये छिप नहीं पाएंगी और दोषी बचने नहीं पाएंगे। जी सर एक चीज और, अगर आप ये बता पाएं कि जब मौके पर पुलिस पहुंची है तब क्या देखा गया, उस वक्त वहां क्या क्या कुछ नजर आया? वहां जब 3 तारीख की जो घटना है वहां पहले एक हेलीकॉप्टर के द्वारा एक VVIP कार्यक्रम वहां लगा था जो स्थानीय लोगों के उन्होंने जब विरोध किया तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया और रोड की जर्नी VIP को करनी थी और उसके लिए वहां पर पुलिस बल मौजूद था। जो पुलिस बल मौजूद था वहां उसके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जो प्राथमिक तरीके से पता चला था कि एक गाड़ी आई और जो भी काफी तेजी से उठी जिससे कि ये दुर्घटना हुई। अब ये कोई साजिश के तहत हुई या दुर्घटना हुई ये इस संबंध में ही तो पूरी विवेचना है और जुडिशियल इंक्वायरी है, तो इस संबंध में पहले से कुछ बोल के चीजों को पहले से प्रिज्यूम करना किसी के लिए भी, मेरे लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी उचित नहीं। प्रशांत जी वीडियो अब दोनों चीजों के आ चुके हैं, यानी गाड़ी ने जैसे हिट किया किसानों को उसका भी वीडियो आ गया है और उससे एक दिन पहले वो सारे वीडियो आ गए थे जिसमें कुछ लोगों को लिंच किया जा रहा था, उन लाठी डंडों से उनको मार मार के उनकी जान ले ली गई, उनके वीडियो भी बनाए गए, उनसे सवाल भी पूछे जा रहे थे, तो उन लोगों की जिन्होंने हत्या की क्या उसका भी मुकदमा कुछ दर्ज है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इस पूरे प्रकरण में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई है और जिस भी पक्ष से मृत्यु हुई है उनका अभियोग पंजीकृत है, उचित धाराओं में विवेचना अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना दोनों मुकदमों की विवेचना और दोनों अभियोगों की विवेचना चल रही है। प्रशांत जी शायद मैं अपना शायद रिपीट कर रहा हूँ लेकिन क्या ये अभी तय नहीं हुआ, स्थापित नहीं हुआ है कि आशीष मिश्रा मंत्री जी के बेटे जो हैं वो वारदात की जगह पर थे या नहीं? नहीं, मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें विवेचक के द्वारा साक्ष्य संकलन के बाद ही कहा जा सकता है
पहले से कुछ भी बताना मेरे हिसाब से न तो ये उचित है कानूनी तरीके से और न ही ये विवेचना के दृष्टिकोण से सही है। विवेचक जब निष्कर्ष पर पहुंचेगा और उसके द्वारा अगर ये इस तरह के अगर कोई कार्रवाई की जाती है और उनके द्वारा ये सूचना दी जाएगी कि ये चीजें प्रेस के साथ शेयर करनी है तो स्थानीय स्तर पर या मुख्यालय स्तर पर हम लोग तुरंत ही इन चीजों को जो हमारे मीडिया कर्मी है उनसे शेयर करें। अच्छा, आपने जब मीडिया के साथ बात की थी, जब आपने सारे चीजों का ऐलान किया कि मुआवजा क्या दिया जाएगा, जांच कैसे होगी, उस वक्त आपके साथ किसान नेता भी बैठे हुए थे, राकेश टिकैत जी आपके साथ बैठे हुए थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब चीजें जो है किसान यूनियन भी समझ गई है और मामला शांत होने की ओर बढ़ रहा है। अब आज उन्होंने कह दिया कि नहीं, जब तक वो लड़का गिरफ्तार, मंत्री जी का बेटा गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम जो है इस मामले से हम हटेंगे नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई अंदेशा है आपको कि इस मामले को कोई आंदोलन का रूप दिया जा सकता है? ये बाई चांस था कि वो वहां मौजूद थे और उनके साथ अन्य लोग भी थे और जो वहां पंथ के वहां लोग थे जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उन लोगों ने ही उनको ऑथराइज किया था बात करने के लिए। तो वहां सभी पक्ष के लोग थे, उन्होंने एक बात की थी और उनकी बात भी बहुत सकारात्मक थी और जो जो चीजें हुई थी और एक रिजनेबल, हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं और हम बहुत जल्द ही इसमें लीगल कार्रवाई करेंगे और इस केस का पर्दाफाश करेंगे। तो उस वक्त वो पूरी तरीके से मुतमईन थे जो भी कार्रवाई, जो भी आप लोगों ने आश्वासन दिया उन्हें? वो तो उन्होंने उस बात की घोषणा की और जिसपे डेड बॉडी पे आगे की कार्रवाइयां शुरू की गई और तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि वो लोग भी बहुत रीजनेबल थे, उन्होंने भी वो भी सभी चीजों की परिस्थितियों को समझ रहे थे कि इसमें ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो कि बात बिगाड़ने के लिए आ रहे हों जिससे कि पूरी विवेचना या पूरा प्रकरण ही दूसरी तरह डाइवर्ट हो जाए और उनको न्याय न मिले। तो वो सबका ध्येय यही था कि न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले, इसी के तहत चीजें वहां पर की गई थी। अंत में प्रशांत जी, इस वक्त वहां परिस्थिति को आप कैसे बयां करेंगे? मामला पूरी तरह, अब वहां स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है? नहीं, अभी वहां स्थिति अब कंट्रोल में है। अब क्योंकि स्थितियां कानून व्यवस्था किसी नियंत्रण में है तो अब लोगों को छोटे कोई अगर कोई आदमी वहां जाना चाह रहा है तो 144 के मद्देनजर छोटे छोटे ग्रुप में 3 या 4 लोगों की संख्या में लोग वहां जा रहे हैं और घूम रहे हैं। वहां स्थितियां समान है लेकिन ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है। जिनके यहाँ के परिजन मरे हैं उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे वो पैसे के दृष्टिकोण से हो चाहे किसी भी दृष्टिकोण से हो, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द हम आरोपियों को गिरफ्तार करें और उनको कोर्ट में पेश करें और आने वाले समय में इस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत करें कि अभियुक्तों की सजा दिलाई जा सके। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए, आपने बहुत सी चीजें स्पष्ट कर दी आज हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत कुमार जी EDGP लॉ एंड ऑर्डर है और उनका साफ ये कहना था कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और कि हर पहलू से जो व्यवस्था बनाई गई है वो जांच उसमें होगी और मंत्री के बेटे को लेकर के उनका जो आशीष मिश्रा को लेकर के बड़ा स्पष्ट उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति जांच करेगा वो ये तय करेगा कि उसके पास जो सबूत हैं वो किसी की गिरफ्तारी की के लिए जरूरी, वो गिरफ्तारी जरूरी बताते हैं या नहीं बताते हैं, वक्त आने पर ये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले तो लोग ये भी कह रहे थे कि FIR भी नहीं होगी, लेकिन FIR हुई और जो आरोप लगाए गए थे किसानों की तरफ से हुबहू वही आरोप जो है उस FIR में दर्ज भी किए गए अब। लेकिन ये पूरी दुर्घटना जो है ये वारदात है, इसको साजिशन किया गया या ये दुर्घटना है किसी और वजह से हुआ, ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।